दोस्तों अप्रैल में जून में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ही गजब का माहौल मिलता है। बच्चे 99% लाके भी श्योर नहीं होते कि उनका एडमिशन उनके ड्रीम कॉलेज में होगा कि नहीं होगा, और बच्चों के पेरेंट्स भी इसलिए श्योर नहीं होते कि हमारे बच्चों का कहाँ एडमिशन होगा। ये माहौल बहुत ही गजब का होता है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इमोशनल होता है, ड्रामा बड़ा होता है। आजकल ऐसा हो गया है कि 99.5% में भी श्योर नहीं हुआ आप कि आपका टॉप कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 कॉलेजेस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स बताऊंगा। इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कट ऑफ आज के रेट में ड्यू में सबसे ज़्यादा जाता है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का, और मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा तो आपको इस बात की पुष्टि भी मिल जाएगी। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि क्योंकि कट ऑफ इतने ज़्यादा है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा टॉप 5 कॉलेजेस अलॉन्ग विद देयर कट ऑफ्स, इतने ज़्यादा कट ऑफ होने के वजह से अभी एक नया एग्जाम निकल के आ गया है CUET। तो लोग और कॉलेजेस अब वो एग्ज़ाम पे भरोसा करने लगे, क्योंकि भाई कितने परसेंट लाएंगे मार्क्स लोग, 100% लाएंगे क्या? 99.5% लाके भी अगर श्योरिटी नहीं है तो कितने में एडमिशन मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। अब देखते हैं कि कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें इतना परसेंट के बाद भी एडमिशन नहीं होता। तो जो नंबर 1 कॉलेज है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज सेंट स्टीफन्स कॉलेज। सेंट स्टीफन्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स का इंडिया में नंबर 1 कॉलेज है, और जो लोग जानते हैं कॉलेजेस के बारे में वो ये बात जानते हैं, पिछले 10 साल से द नंबर 1 कॉलेज फॉर इंडिया इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स इज सेंट स्टीफन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। सेंट स्टीफन्स का कट ऑफ शुरू से ही 97 से ऊपर रहा है। पिछले साल जैसा कट ऑफ 99.5 था बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, लास्ट लिस्ट का कट ऑफ 99.5। तो जब इतना कट ऑफ है तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि यहाँ से प्रोस्पेक्ट्स बड़े अच्छे मिलते हैं लोगों को। एवरेज सैलरी 10 लाख से भी ज़्यादा थी लास्ट ईयर, एंड हाईएस्ट सैलरी वॉज 26 लाख। 10 लाख से ज़्यादा एवरेज सैलरी अगर आपको मिल रहा है, मतलब ये एक अच्छे MBA के जितना आपको प्लेसमेंट दे रहा है। इसीलिए कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा है, पर मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा है। 99.5 कहीं का भी कट ऑफ शोभा नहीं देता, बट द कॉलेज इज एक्चुअली ब्रिलियंट। सेंट स्टीफन्स नंबर 1 इन द लिस्ट। तो दोस्तों अब बात करते हैं कौन सी कंपनीज आती है सेंट स्टीफन्स में जो इतना अच्छा पैकेज देती है। तो दोस्तों यहाँ सारी कंसल्टिंग कंपनीज आती है, AT Kearney, Bain, ऑलमोस्ट सारी कंसल्टिंग कंपनीज, McKinsey, उसके बाद फाइनेंस के लिए मॉर्गन स्टैनली, सिटी बैंक, मार्केटिंग की कंपनीज तो आती ही हैं। तो यहाँ से सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो तो आपको बस पॉलिसी मेकिंग में जॉब मिलेगा, नहीं। कंपनी जानती है कि यहाँ ब्रिलियंट माइंड्स हैं, इसलिए वहाँ हर प्रोफाइल का अच्छी कंपनीज आती हैं। जो सेकेंड बेस्ट कॉलेज है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का इंडिया में, ये भी काफ़ी लोग जानते हैं कि दिस इज़ द सेकेंड बेस्ट कॉलेज, पर ये ज़्यादा पॉपुलर है सेंट स्टीफन से। पॉपुलैरिटी में सेंट स्टीफन से ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ का बीकॉम बहुत फेमस है, इको भी फेमस है। कॉलेज का नाम है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। SRCC दिल्ली यूनिवर्सिटी हैड द सेम कट ऑफ एज लास्ट ईयर ऑफ सेंट स्टीफन्स, तो 99.5 कट ऑफ था इसका इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी, और यहाँ से भी प्रोस्पेक्ट्स जबरदस्त मिलते हैं। इको ऑनर्स के बच्चों का प्लेसमेंट जनरली बीकॉम से थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है, बच्चे भी थोड़े ज़्यादा बेटर आते हैं, कट ऑफ भी थोड़ा हाई होता है 99.5, जैसा कि मैंने बताया। प्लेसमेंट्स अगेन सारे कंपनीज में होता है, इनका भी एवरेज सैलरी 10 लाख से ज़्यादा था लास्ट ईयर, और फाइनेंस, मार्केटिंग या कंसल्टिंग सारे कंपनीज आती हैं यहाँ, और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चों को ले जाती है खुशी खुशी। जो थर्ड बेस्ट कॉलेज है माय डियर फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, उनके नाम में भी श्रीराम है, ये लड़कियों का श्रीराम कॉलेज है, और इसका नाम है LSR, क्योंकि ये ऑल गर्ल्स कॉलेज। इसका कट ऑफ 2021 में थोड़ा सा कम था, पर ज़्यादा कम नहीं, 99% था कट ऑफ इसका 2021 में फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इनकी एवरेज सैलरी 9.8 थी, तो 10 से ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़बरदस्त कॉलेज है, 99% कट ऑफ है दोस्तों LSR फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स। द फोर्थ बेस्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉलेजेस, इसका नाम है हिंदू कॉलेज। इसका कट ऑफ भी 99% था इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, 99%, और एवरेज सैलरी 8.4 लाख ही लास्ट ईयर। तो यहाँ से भी बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स निकल के आते हैं दोस्तों। द फिफ्थ बेस्ट कॉलेज फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स इज एक्चुअली अ चेंज, क्योंकि ये दिल्ली से नहीं है, पहला कॉलेज लिस्ट में जो दिल्ली से नहीं है, कैलकटा में है, सेंट जेवियर्स कॉलेज कैलकटा। इसका इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कट ऑफ भी हाई जाता है कंपेयर टू अदर कोर्सेज, 94-95 के आसपास जाता है। यहाँ का प्लेसमेंट्स भी इनका बेस्ट होता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सेंट जेवियर्स कैलकटा का बेस्ट प्लेसमेंट है इनके खुद के कोर्सेज में। काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता है, इनमें BSc इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स होता है, पर इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही है। एवरेज सैलरी 6 लाख के आसपास लग जाती है जो भी प्लेस होते हैं उनका, और काफ़ी बढ़िया कॉलेज है दोस्तों। तो इनमें से आपका फेवरेट कॉलेज कौन सा है दोस्तों, अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, अगर आप कर रहे हो तो भी आपका इनमें से कौन सा फेवरेट है। आई होप आप इतने नंबर ले आओ अगर आपको इनमें से किसी कॉलेज में जाना है। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।